नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बंधक बनाकर दबंगों ने महिला से की मारपीट, बेटी से हुई छेड़छाड़ की थाने में रिपोर्ट कराना महिला को पड़ा महंगा, पुलिस पर अपराधियों को बचाने का आरोप। मध्य प्रदेश के सागर गौर झामर थाने के ग्राम पटना खुर्द निवासी एक दलित महिला को अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की रिपोर्ट पुलिस में लिखाना इतना महंगा पड़ गया कि दबंगों ने उसे भी बंधक बनाकर घंटों मारपीट की। वहीं पीड़ित महिला को मदद करना तो दूर, गौरमझार पुलिस उल्टा आरोपियों को सह देती देखी गई। यह सब खुलासा वायरल वीडियो से हुआ, जिसमें आरोपियों के आंगन में महिला खंभे से बंधी दिखाई दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद जहाँ गौर झामर पुलिस की सांसें फूलने लगी, तो वहीं पुलिस की सह में अपराधियों के बढ़ते हौसले भी सबके सामने आए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गांव पकना खुर्द के दबंग किस तरह एक मजबूर और दलित को बंधक बनाकर प्रताड़ित कर रहे हैं। वायरल वीडियो देख यह यकीन नहीं होता कि हम आज़ाद भारत में हैं। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला की नाबालिग बेटी से गाँव में इन्हीं दबंगों ने बीते दिनों छेड़छाड़ की थी, जिसकी सूचना पीड़िता उसकी बेटी ने गौर झामर थाने में दर्ज कराई थी। बस यही से दबंगों ने बदला लेने की सोची और मौका मिलते ही महिला को 8 लोगों ने घेर कर बंधक बनाया और अपने घर में लगे बिजली के पोल से जानवरों की तरह बांधकर घंटों मारपीट करते रहे। घटना में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पूरी घटना का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है और आमजन गौरमझार पुलिस पर सवाल दाग रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से क्षेत्र के लोगों में रोग व्याप्त है। सागर गौरमझार से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नाम दादा आपका? तुलसीराम। पंच ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत तो पटनी खुर्द। क्या घटना हुई आज जो आपके साथ, जो आप अपनी मिसेस को लेके देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए? कहा तो हम रहे थे घर पे, जेकर भी आई भैंस क्या सोने पकड़ी और बांधे रहे खम्मा से जब सोन मर। कौन बांधे रहा इनको? दिनेश चंद्र। तो जब सोन मर गए, जब छोड़े था बहुत मारो। क्या रीजन रहा, क्यों कारण बांधे रहे? पेल से हमारों की चढ़ा थी, पेल मारो थी मोड़ी। तो गौरजामा थाने में FIR दर्ज नहीं कराई थी उनके खिलाफ? कराई थी। तो पुलिस ने कोई वो नहीं उठाया? अब भाई करके चले आ रहा था। नहीं, जब आपकी बच्ची को मारा था पहले, तो पुलिस ने जब कोई एक्शन नहीं लिया था? जब कुछ नहीं, सब पैसा ही जमा। क्या हुआ, घटना क्या हुई आपके साथ या आपकी मम्मी के साथ, क्या घटना हुई? मारो। किसने? चंद्रेश ने, दिनेश ने, और अरविंद ने, और रोहित ने, और राज ने, और उनकी पत्नी अरुण पूरों ने। तो आपके लिए भी इसके पहले मारा था? तो आपने गौरजामा थाने में रिपोर्ट लिखाई थी जी। तो क्या हुआ रिपोर्ट लिखाई? कुछ नहीं, पैसा भर गए थे। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, कुछ नहीं कार्रवाई की। अच्छा, तो अभी आप आपकी मम्मी को लेके आप गौरजामा थाने गई थी, जब वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? हाँ, अभी मम्मी के गई थी। पुलिस ने क्या बोला वहाँ के थाना प्रभारी? यही की बोल रहे थे। अच्छा, देवरी लेके जाओ, देवरी लेके जाओ। तो क्या दबंग है क्या वो? जो जिसने मारपीट की है वो पटना बुजुर्ग के हैं, तो वो दबंग है क्या गाँव की? हाँ, दारू पिया था भाई। डाल का पहले इवेंट जनरेट हुआ, तो पुलिस जब वहाँ पे गई तो जानकारी में आया कि जो रिपोर्ट करता शिकायत करता है राधा रानी, ये रजक समाज की हैं, लगभग 40 साल की एज है। इनका पास के ही रहने वाले विश्वकर्मा परिवार के 4 व्यक्तियों से रास्ते को लेकर करीब 10-15 दिनों से कोई बात चल रहा है। पूर्व में भी कुछ शिकायतें पुलिस में हुई थी, उसका रिकॉर्ड में भी निकलवा रहा हूँ। आज जो रिपोर्टकर्ता ने FIR कराई है, उसमें उनका ये कहना है कि आज सुबह वो काम से कहीं निकल रही थी, तो इन चारों ने आ करके उनके साथ मारपीट करी, हाथ पैर और लाठियों से मारा। और बाद में उनके हस्बैंड जो थे तुलसीराम रजक, उन्होंने आके बीच बचाव किया, पुलिस को इन लोगों ने इन्फॉर्म किया। गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसमें इमीडिएट हमने FIR रजिस्टर कर ली है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। और मेडिकल के बाद जो भी चोटे का प्रकार आएगा और अन्य साक्ष्य आएंगे, उस आधार पे धाराएं बढ़ाई जाएंगी।
सर खम्भे से बांधकर मारने की जो बात आ रही है वो कितनी सच है? ये एविडेंस अभी मेरे नॉलेज में नहीं आया है और जो रिपोर्ट करते हैं जो लिखित में दिया है सब बांधने का नहीं है। विवाद तो जरूर बताया कि पुराना कोई विवाद इनका चल रहा था और उसमें इनके साथ मारपीट हुई है। इसमें जो भी फैक्ट आएंगे नए फैक्ट आएंगे उनको हम वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके उस पर निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्या घटना हुई आपके साथ? किसने मारा? गणेश ने, चंद्रेश ने, रोहित ने और शहराज ने। किस वजह से मारा? हम घर आ रहे थे, घर पे तवन के मारो है। अच्छा, क्यों मारा तुमने, वजह क्या रही? पहले होती तो हम और बोलत नहीं थे। अच्छा, उसी वजह से पहले की रही? पहले की वजह से हमारी मोड़ी को छेक रहे थे। अच्छा, तो हमने मोड़ी को बंद नहीं दिया, करने के साथ भी नहीं आन दे हमने। क्या नाम है आपका? राधा रानी।